एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मैं बनाने जा रही हूँ बड़े। बड़े के लिए मैं यहाँ पर बरबटी की दाल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बरबटी की दाल ली है, छिलके वाली। इसे मैंने 4 से 5 घंटे फुला लिया था। फुलाने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है मिक्सर। मिक्सर में मैंने जार को लगा लिया है, इसमें मैंने दाल को डाल दिए। इससे हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हम इसे थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। और देखिए, इसके लिए मैंने 4 हरी मिर्च ली है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो काट करके भी डाल सकते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए मैं इसे पीस रही हूँ। और मैंने यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली है, और 1 टुकड़ा जो है अदरक का लिया है, उसे मैंने बारीक काट लिया है। तो हम इस सबको इसमें डाल लेंगे और पीस लेंगे। बिल्कुल होटल वाले बड़े बनने जा रहे हैं आज। मेरी एक दीदी की फरमाइश थी, इसीलिए मैं इस रेसिपी को लेकर के आई हूँ आपके सामने। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। देखिए, दाल पिस गई है, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी की दाल भी पूरी पीस लेंगे, और इसे भी हमें दरदरी ही पीसनी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। देखिए, दाल को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें कुछ सामग्री ऐड करने वाले हैं। देखिए, मैं इसमें प्याज मिला रही हूँ, बड़ा कटा हुआ, बारीक काट लिया है मैंने इसे। प्याज आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्याज डलेगी उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैंने 20 से 30 ग्राम मैंने यहाँ पर पालक ली हुई है। हरा धनिया डाल रही हूँ मैं इसमें, देसी वाला, इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और मैं 6 से 7 जो है कड़ी पत्ते काट लिए हैं मैंने बारीक, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मैं इसमें आधी चम्मच से भी कम हल्दी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि अधिकतर होटलों में जो है बिना हल्दी के ही बड़े बनाते हैं। चलिए, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कि मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल बड़े आप जैसा भी चाहें, आड़े तिरछे जैसे आपसे बनते हैं बिल्कुल वैसा बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और बिल्कुल खाएंगे तो खाने में तो स्वाद बिल्कुल होटल में जैसे बड़े मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही स्वाद लगेगा। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। देखिए, बड़े बन करके रेडी है, इसे अब हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से सारे बड़े बना देंगे। देखिए, मैंने बड़े डाल दिए हैं। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही सेकना है, और थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है। हाई फ्लेम में सेकेंगे तो ये उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। पालक तो आप बिल्कुल ऐड करें, अगर पालक ऐड नहीं करेंगे तो वो जो होटल वाले जो बड़ों का मज़ा होता है ना, वो बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसलिए पालक ज़रूर ऐड करें। और हाँ, ध्यान रहे, आप दाल पीसते समय पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो दाल गीली हो जाएगी। मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया था। चलिए, इसे ब्राउन होने तक के हम मीडियम फ्लेम में सेक लेते हैं। गर्मा गर्म बड़े बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, देखिए, और अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप इसे टमाटर की चटनी, दही या किसी अन्य चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।